मैं कुछ पॉइंट्स आपको देना चाहता हूं, आप इन पॉइंट्स को फॉलो करना, हो सकता है कि ये शायद पॉइंट्स आपके काम आए। कई बच्चों को प्रॉब्लम है बैकलॉग की, और मैंने सोचा कि आई थिंक ज्यादा बड़ा इशू नहीं होगा, लेकिन सब बच्चों के मैसेजेस देखने के बाद मैंने फील किया कि जो बैकलॉग का जो आपका इशू है, ये आई थिंक बहुत बड़ा इशू है। जहां तक मुझे फील आता है कि ये शायद आपके लिए बहुत बड़ा इशू है। तो देखो, मैं इसमें बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, नीड नॉट टू वरी। मैं कुछ पॉइंट्स आपको देना चाहता हूं, आप इन पॉइंट्स को फॉलो करना, हो सकता है कि ये शायद पॉइंट्स आपके काम आए, और आपको जो बैकलॉग कवर करना है तो हो सकता है शायद उसमें ये आपको हेल्प करें। ध्यान से सुनना भाई, सब लोग मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। नंबर वन, पहली बात तो अननेसेसरी पैनिक होना छोड़ दो, क्योंकि जो इंसान पैनिक होता है उसको एंजाइटी का इश्यू हो जाता है, और एंजाइटी बेटा काम नहीं करने देती है। दिमाग में एक ही तरह की चीजें सोचते रहने से इंसान को एंजाइटी हो जाती है, और नो डाउट इसमें कोई शक नहीं कि हम एक इंसान है, तो बेटा ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, और इस तरह के प्रॉब्लम किसी के भी साथ आ सकती है। अगर कोई भी इंसान एक ही तरह की चीजों को लेकर के स्ट्रेस में रहेगा, हमेशा सोचता रहेगा, तो उसको पैनिक होना नेचुरल है, एंजाइटी होना नेचुरल है। पहली बात तो ये कोशिश करें कि चीजों को सिर्फ सोचे नहीं, उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। हम कई बार बहुत से सपने बना लेते हैं, सोच लेते हैं कि नहीं, हमें ये करना है, हमें वो करना है, मैं इस तरह से अपना बैकलॉग कवर करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, लेकिन फिर क्या होता है, कोई भी एक छोटा सा भी अगर हर्डल आता है, हम वहीं पर रुक जाते हैं और हम उस चीज को आगे नहीं कर पाते। तो पहली बात तो ये ध्यान से सुन लें कि सोचने से बैकलॉग पूरा नहीं होगा भाई, कुछ करने से भी पूरा होगा। तो पहले प्रोसेस शुरू करें, एग्जीक्यूट करें, तब बैकलॉग कवर होगा। नंबर वन। नंबर सेकंड, अंग्रेजों की एक बड़ी अच्छी पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। कहने का मतलब, सीधी सी बात है, पहले आप यह देखिए कि आपके कितने लेक्चर्स अभी पेंडिंग हैं, जिनको आपको कवर करना है, नंबर वन। नंबर सेकंड, किन किन सब्जेक्ट्स के पेंडिंग है, फिर उनमें क्या करें, इस चीज को देखें कि पहली प्रायोरिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी का इनऑर्गेनिक का भी पेंडिंग है लेक्चर, और मान लो किसी का फिजिकल केमिस्ट्री का भी पेंडिंग है, तो भाई मेरा एक बात बताओ, अभी चल क्या रही है, अभी चल रही है इनऑर्गेनिक, तो पहले इनऑर्गेनिक के टॉपिक का जो आपका पेंडिंग लेक्चर्स जो भी है उनको पूरा करने की कोशिश करो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लेक्चर्स क्या करेंगे बेटा, जो करंट टॉपिक चल रहे हैं उनको आपको समझने में हेल्प करेंगे। तो ये नहीं कि हम फिजिकल में घुसे हुए हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उसमें वो न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा है, और उस वजह से, ऐसा नहीं होता। ये ठीक वैसी कंडीशन होती है बेटा कि एक समय में दो नाव में पांव रख के चलना, तो भैया वो फिर इंसान नो डाउट इन इट परफेक्शन नहीं ला सकता। तो अगर परफेक्शन चाहते हो तो उसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। कैसे? नंबर ऑफ लेक्चर्स को टाइम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करें, डिवाइड करें, और उनको पूरा करने की कोशिश करें। टारगेट बनाएं कि मुझे कैसे ना कैसे करके हर दिन कम से कम अपने बैकलॉग को कवर करने के लिए एटलीस्ट इतना टाइम तो देना ही देना है कि मैं दो लेक्चर किसी भी तरह से कवर कर लूं। अब वो दो लेक्चर अलग अलग सब्जेक्ट के होने चाहिए, ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट के हों। क्यों? क्योंकि एक ही चीज को लंबे समय तक पढ़ते रहना भी खतरनाक है। रीजन, आप सुनते रहेंगे लेकिन आपके दिमाग में कुछ नहीं बैठेगा। बात समझ में आ रही है? आप सुनते रहेंगे लेकिन आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा अगर आप लंबे समय तक एक ही चीज को सुनेंगे तो, क्योंकि आपको बोरियत हो चुकी होगी, और पढ़ाई में बोरियत सबसे खतरनाक वर्ड होता है। अगर बाय द वे मान लीजिए किसी सब्जेक्ट से आप बोरियत फील कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट उसमें कम हो जाएगा। तो कुछ शेड्यूल इस तरह का मैनेज करें कि एटलीस्ट पूरे दिन में कम से कम दो लेक्चर का बैकलॉग कवर करने का टाइम आपके पास होना चाहिए, नंबर वन। नंबर सेकेंड, जो करंट टॉपिक चल रहे हैं उनको कभी भी अवॉइड ना करें।
बहुत से बच्चों का मेरे पास क्वेश्चन आता है, क्या सर एक बात बताइए, अगर मैंने पुराना टॉपिक नहीं पढ़ा तो क्या मैं जो अभी करंट टॉपिक चल रहे हैं क्या मैं उनको कवर कर सकता हूं, क्या मैं उनको समझ सकता हूं? भाई मेरे, अगर आप करंट टॉपिक को भी अवॉइड करेंगे तो करंट टॉपिक भी तो आपका एक तरह से बैकलॉग ही बनता चला जाएगा। तो कब तक आप इस तरह से करते रहेंगे? आज आप जो टॉपिक को सुनकर के कवर कर सकते थे आपने उसको भी पेंडिंग कर लिया, अपने लिए छोड़ दिया। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि शुरुआत जहां से मिल रही है वहीं से कर दें, या तो शुरुआत सही समय पर की होती, और अगर भाई देवे मान लीजिए किसी कारणवश शुरुआत सही समय पर नहीं की है, नो इशू, जहां से शुरू करने का मौका मिल रहा है वहां से शुरू कर दें। बात समझ में आ रही है? जहां से आपको चीजें शुरू करने का मौका मिल रहा है चीजों को आप वहां से शुरू करें। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें बेटा कि अगर आपको बैकलॉग पे कंट्रोल करना है तो पहले जो टॉपिक करंट टॉपिक चल रहे हैं उनसे कभी भी आप मुंह ना मोड़े, भले चाहे आपको वो कम समझ में आए, ज्यादा समझ में आए, कैसा भी समझ में आए, आपको उनको कंटिन्यू करना है। बात समझ में आ गई? नंबर वन। नंबर सेकेंड, पुराने टॉपिक्स के लिए आप कर ही रहे हैं। नंबर थ्री, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या टाइम देख करके कभी भी पढ़ाई नहीं होती। ये सब बेकार की बातें होती हैं कि मैं इतनी देर इसको पढ़ूंगा, उतनी देर इसको पढ़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। नहीं, जितना आप कंफर्ट फील कर रहे हैं उतना पढ़ें। कहने का मतलब है अपने आप को ऐसे टारगेट दें जो टारगेट आप अचीव कर सकें। बहुत से बच्चे कहते हैं सर मेरी सिटिंग पावर अच्छी नहीं है। एक बात बताओ, सिटिंग पावर का क्या मतलब होता है? समाधि लगा करके बैठ जाना? नहीं, सिटिंग पावर का मतलब होता है अपना मैक्सिमम क्वालिटी टाइम आपको देना है। सिटिंग पावर का मतलब यह नहीं है चार घंटे पांच घंटे समाधि लगा करके बैठ गए, ना, दिस इज नॉट यू नो सिटिंग पावर, ये बेवकूफी है। सिटिंग पावर का मतलब है क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करना, ना कि क्वांटिटी पे जाना। हमेशा अपने आप को उतना टारगेट दें जो आप अचीव कर सकते हैं, और ये दोनों चीजों में होना चाहिए। कितने लेक्चर आपको कवर करने ये भी आपको डिसाइड करना चाहिए। अपना टारगेट आप ऐसा रखें कि भाई मैं इतने लेक्चर कवर कर सकता हूं, तो जितने लेक्चर आप कवर कर सकते हैं वही आप अपने आप को टारगेट दें, और जितनी देर आप उसमें क्वालिटी टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं उतने आवर्स की आप सिटिंग डिसाइड करें। यह नहीं कि पांच घंटे बैठूंगा, छह घंटे बैठूंगा और बैठ आप एक दो घंटे से ज्यादा नहीं पाए, यह नहीं होना चाहिए। होता क्या है, अक्सर मैंने यह नोटिस किया है, यह एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, हमने जो किया, जो हमने अचीव किया, हमें उसकी खुशी नहीं होती। मान लीजिए कि हमें 50 क्वेश्चन थे, हमने 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिया और 30 नहीं कर पाए, 20 क्वेश्चन करने की हमें खुशी नहीं है, 30 क्वेश्चन ना करने का गम ज्यादा है। तो इस तरह की नेगेटिव चीजों से अगर आपको बचना है तो आपको अपने नंबर ऑफ लेक्चर और टाइम दोनों को ऐसा सेट करना होगा, ऐसा टारगेट देना होगा जो आप अचीव कर सकें। 3 घंटे बैठ सकते हैं तो 3 घंटे का सोचें कि मैं 3 घंटे की सिटिंग पावर दूंगा अपनी, अच्छे से 3 घंटे में बैठूंगा। यह नहीं कि 5 घंटे का सोचें और फिर 3 घंटे बैठता है तो 3 घंटे जो बैठता है उसका अफसोस है कि मैं 3 घंटे ही बस बैठ पाया, 5 घंटे नहीं बैठ पाया। छोटी छोटी चीजों पे अपने आप को एप्रिशिएट करना सीखें, सेल्फ मोटिवेट होने की कोशिश करें। रोज रोज देखो, ना तो मैं आपको समझा सकता हूं, ना आपके दोस्त आपको समझा सकते हैं, ना कोई और समझा सकता है। आपको अपने आप को खुद मोटिवेट करना होगा। और आपका रियल मोटिवेशन कहां पे छुपा हुआ है? रियल मोटिवेशन छुपा हुआ है आपकी मेहनत में। आप जैसे जैसे अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे, आपके अंदर से जो इंटरनल जो एक खुशी होनी चाहिए वो अपने आप आपके अंदर आएगी, और वो आपको और मोटिवेट करेगी कि आप और आगे और अपने टारगेट्स को अचीव करें। तो बैकलॉग को अगर पूरा करना है तो सबसे पहले बेटा सोचने के बजाय काम को करना शुरू करें। ये ना सोचें कि ये कब होगा, कैसे होगा। अरे भाई तू शुरुआत तो कर, जब होना होगा होगा। चीजें धीरे धीरे ही आगे बढ़ती हैं, एक रात में सब कुछ चेंज नहीं हो जाता। दूसरा, छोटे छोटे टारगेट्स दें जिनको आप अचीव कर सके, और अचीव करने के बाद आप क्या कर सके लाला,
अपने आप को एप्रिशिएट कर सकें कि हां देखो मैंने ये काम कर दिखाया। नेगेटिव चीजों से बचें। अपना आपका कंपटीशन, सबसे बड़ा कंपटीशन आपका अपने से होना चाहिए। यह ना देखें कि दूसरे ने क्या किया। क्यों? क्योंकि आप अपने आप मोटिवेट होते जाओगे, फिर आपको किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद एक पावर हाउस का काम करोगे, आपसे लोग बाग एनर्जी लेने आएंगे, आपको किसी से एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी।